हेलो गुड मॉर्निंग। कल क्लास में आपको ड्राइव क्वांटिटी के बारे में पढ़ाए थे और 5-6 एग्जांपल भी लिखा दिए थे, उसमें 30-32 को और बाकी है उसको पढ़ा देते हैं। कहाँ तक हो गया था? शायद मोमेंटम तक हो गया था। नेक्स्ट है मोमेंटम के बाद इसका फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, अर्थात ऐसे बोल सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक आप लोग 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़े होंगे कि इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक पहले से याद होता है डिफिनेशन या पहले से मात्रक याद होता है कि तक कैसे बनता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे याद कीजिए, कल लिखाए थे मोमेंटम तक लिखाए थे, शायद 6 या 7 नंबर होगा, नंबर हमको याद नहीं है। आज जो लिखा रहे हैं ये जो है आपका जितना नंबर हो कल लिखा है तो मोमेंटम, वहाँ से नंबर से 7 हो तो 7, यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस सारणी में एकदम उसको पैक कर लीजिए। 1 से लेकर 35 तक लिखाते हैं और 35 तक जो है सारणी में पैक कर देना है और उसको बैठ कर याद करना है, घेर करना है। और कोचिंग खुले तो आप लोग अपना अपना कॉपी लाकर ऑफिस में चेक करा सकते हैं। हम आपको बता दें कब कॉपी हम रहेंगे, आप लाकर चेक कराना, आपका कॉपी चेक कर देंगे, आप अपने घर चलिएगा और यहाँ से टेस्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा, घर बैठे आप टेस्ट दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो। ठीक है, तो ये 7 नंबर के बाद नेक्स्ट जो मोमेंटम तो जहाँ लिखाए थे वहाँ से लिखिएगा त्वरण, एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। और वेग में परिवर्तन का मात्रा हमको मात्रक बना रहा है, सब क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? तो ड्राइव क्वांटिटी, ये सब व्युत्पन्न सॉरी ड्राइव यूनिट है, ये सब व्युत्पन्न मात्रक की एग्जांपल है, ये सब क्वांटिटी है और जनरल उसका क्या है सब मात्रक है। तो ये रहा क्वांटिटी। अब इसका एसआई मात्रक निकालते हैं, इसका एसआई यूनिट रहता है बनाते हैं बोर्ड पर, वेग में परिवर्तन तो मीटर पर सेकेंड, नीचे सेकेंड, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा त्वरण के बाद है बल, इट मींस फोर्स, फोर्स हो गया द्रव्यमान गुना त्वरण, ये हो गया द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। इसका ऐसे मात्र न्यूटन होता है, इसका सीजीएस मात्र डायन होता है। तो अभी हम ऐसा ही पढ़ा रहे हैं, सीजीएस बाद पढ़ाएंगे। देखिए इधर होगा, हो रहा है सब। तो इसका मात्रक बनाना है तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा केजी और त्वरण का हो जाएगा, यहां अभी त्वरण यहां लिखा है तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसका एक और मात्रक होता है, क्या होता है डायन, क्या होता है डायन, ये रहा बल का सीजीएस मात्रक डायन। अब बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
योर एसआई मात्रा जो होता है न्यूटन होता है, क्या होता है न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है तो डायन होता है। तो ये हो गया बल के तीन मात्रा, एक हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन, तीसरा डायन, चौथा बल के बाद क्या है कार्य, इट मींस वर्क। वर्क क्या क्या होता है, बल और विस्थापन के, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं कार्य कहते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं कार्य कहते हैं। तो बल और विस्थापन गुणनफल कार्य कहलाता है। अब इसका मात्रक बनाना है, तो इसका मात्रक क्या, बल का क्या हो जाएगा न्यूटन, या आप इसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना विस्थापन क्या हो जाएगा, तो विस्थापन होता है मीटर, यानी इसका मात्रक बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया बल का कार्य का ऐसे मात्रक। इसका एक और मात्रक होता है, इसका ऐसे मात्रक जूल भी होता है, क्या होता है जूल, या इसका एक और मात्रक होता है जूल के बाद क्या होता है अर्घ होता है, क्या होता है अर्घ। तो कार्य के तीन मात्रक हो गए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल या अर्घ, ये तीन मात्रक है। उसके बाद क्या है कार्य के बाद क्या होता है, तो कार्य के बाद होता है दाब, कार्य हो गया ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है इनर्जी, सेम टू सेम इसका भी मात्रक सेम टू सेम होता है, इसका भी मात्रक सेम टू सेम, इसका भी मात्रक सेम टू सेम, अर्थात जो ऊर्जा कार्य का ऐसे मात्रक या सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक कार्य का सीजीएस मात्रक और ऐसे मात्रक जूल या केजी मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तीनों कार्य का ही मात्रक है। तो एक सीजीएस है और एक एसआई, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा का भी वही होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल या और। इसके बाद क्या है ऊर्जा के बाद शक्ति, क्या है शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, टी बराबर डब्ल्यू बाई टी। अब कार्य क्या हो जाएगा, तो कार्य का हो जाएगा मात्रक, कार्य क्या लिखे यहां पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सेकेंड, मात्रक क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ये हो गया आपका शक्ति का ऐसे मात्रक। नेक्स्ट है इसका एक और मात्रक होता है या वाट भी होता है, क्या होता है शक्ति का एसआई मात्रक, क्या है शक्ति का ऐसे। और आगे बढ़ते हैं शक्ति के बाद क्या है, तो वो है दाब, दाब होने क्या होता है प्रेशर, प्रेशर
इसका हम परिभाषा ही बोल देते हैं, सुन लीजिएगा। ये मात्रक भी लिखना है और परिभाषा भी लिखना है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो फॉर्मूला था वेग में परिवर्तन बटा समय, मीटर पर सेकेंड, समय का सेकेंड, ऐसे ही मात्रक हो गया। ये सब एस आई यूनिट है। कौन यूनिट है? तो एस आई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन या डाइम भी होता है। कार्य किसे कहते हैं? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? इसका ऐसे मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल या अर्ग। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। शक्ति का क्या होता है? तो शक्ति का होता है कार्य बटा समय। तो कार्य का हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसे सेकेंड, ए गुना करें तो केजी मीटर स्क्वायर, सेकेंड में सेकेंड स्क्वायर से होगा सेकेंड क्यूब, या वाट भी होता है। अब क्या है? तो वह दाब, प्रेशर। क्या है? प्रेशर। प्रेशर किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो दाब पर वस्तु क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल नीचे हो गया, दाब ऊपर जाएगा, तो बल बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो ये हो गया बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्षेत्रफल क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर। क्या मात्रक बन जाएगा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ही रहा दाब का इसे मात्रक। इसका एक और मात्रक होता है दाब का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिएगा, या इसका एक और होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। एक और होता है, इसी में लिखते हैं, नीचे जगह है, स्ट्रेस। क्या है? स्ट्रेस, प्रतिबल। अब प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? ये बल बटा क्षेत्रफल। पास ये रहा आपका प्रतिबल का। और आगे बढ़ते हैं, पास्कल नहीं होता इसका, केवल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रतिबल का होता है स्ट्रेस, और प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको छाप लीजिए। क्या इसको
हो गया। अब प्रतिबल बल लिखिएगा, विकृति बोलते हैं एस्ट्रेन, एस्ट्रेन क्या है? तो जब सुनिए विकृति की परिभाषा बोलते हैं, जब किसी तार से कोई भार लटकाते हैं तो तार की लंबाई में वृद्धि होती है, अर्थात तार की लंबाई में हुई वृद्धि तार की मूल लंबाई के अनुपात को ही एस्ट्रेन या विकृति कहते हैं, इसका मात्रक और विमा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विकृति का सूत्र होता है, देखिएगा लंबाई में हुई वृद्धि, लंबाई में हुई वृद्धि नीचे हो गया क्या, मूल लंबाई, तो लंबाई में वृद्धि किसके मापेंगे? L से। अब मूल लंबाई को भी L से, L से L का टेक कितना आ गया? 1। तो 1 का मात्रक क्या होता है? नहीं होता, अर्थात किसी संख्या या संख्या या व्यक्ति का मात्रक या विमा नहीं होता है। और देखिए नियतांक, नियतांक को बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का भी मात्रक नहीं होता है। कोई पूछे कि कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है, बोलेगा इसका मात्रक नहीं होता। उसके बाद क्या है? अनुपात, रेशियो, क्या होता है? रेशियो। और रेशियो में मात्रक नहीं होता है। आगे बढ़े, और इसके बाद है अनुपात के बाद है आवेग, इंपल्स, क्या होता है? इंपल्स। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक होता है, फॉर्मूला होता है बल, किसी जब उस किसी पिंड पर बल आरोपित करते हैं तो बल आरोपित करने में लगा बल और बल के लगे समय के गुणनफल को आवेग कहा, आवेग बराबर हो जाएगा बल गुणा बल लगने में लगा समय। बल का ऐसे मतलब क्या होता है? न्यूटन, क्या होता है? न्यूटन। समय का सेकेंड, फॉर्मूला क्या हो गया? न्यूटन इंटू सेकेंड। तो पूछे कि आवेग का मात्रा क्या होता है, तो बोलिए न्यूटन इंटू सेकेंड। कहां से हो गया? तो बल और बल लगने में लगे समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग का बल का मात्रक होता है न्यूटन, और बल लगने में लगे समय होता है सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। हो गया, नेक्स्ट आवेग के बाद है बल और घूर्ण,
टॉर्क, क्या होता है टॉर्क। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? बल गुना बल की बीच की लंबवत दूरी। जब किसी पीठ पर बल आरोपित करते हैं तो बल और बल के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को ही बल आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। बल का हो जाएगा क्या? न्यूटन। लंबवत दूरी का हो जाएगा मीटर। ये रहा न्यूटन मीटर, किसका मतलब बल आघूर्ण। अब नेक्स्ट है वो है बल आघूर्ण के बाद क्या है? से बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। जी बराबर फॉर्मूला जाती है, जी का होता है 6.67 × 10^11 मीटर मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। तो जी बराबर फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी। ये हो गया M1 into M, G बराबर F into R square upon M1 into M2। ये हो गया आपका gravitational constant का formula। F का क्या हो गया? Newton। R का क्या हो गया? Meter square। M1 क्या हो गया? kg। M2 का क्या हो गया? kg। Formula हो गया Newton meter square पर केजी स्क्वायर। इसको देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए, मिटकाते हैं हम। ये रहा राशि का नाम, ये रहा उसका स्पेलिंग, ये रहा उसका फॉर्मूला और ये रहा इसका एसआई यूनिट। आपका काम क्या है? कॉपी में लिख के इसको बैठ कर याद करना है। अब क्लास में रहते तो आप लोग को हम खड़ा के जितने स्टूडेंट बैठे होते हैं हम सबसे जो है क्लास में खड़ा पूछते हैं, बताओ इसका मात्रा क्या होता है। नहीं याद होता तो उसको पीटा जाता है ताकि उसको याद हो जाए। अब अपने घर पर हो तो कैसे पूछे है? तो लिखिए। क्लास जो है कल से या परसों से लाइव क्लास चलेगा, तो लाइव क्लास में जो है आप सामने रहोगे तो पूछेंगे और आपसे सुनेंगे। तो आज कल और पढ़ लीजिए और कल से लाइव क्लास जो है शुरू हो जाएगा। बस कल तक ही आपके वीडियो पर जो है यूट्यूब वीडियो पर जा रहा है ये क्लास, अब उसके बाद नहीं जाएगा। तो आपको लाइव क्लास में पूछा जाएगा, सुना जाएगा, आपका टेस्ट होगा। मिटकाएं इसको।
नेक्स्ट लिखिएगा कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी किसका फॉर्मूला होता है? कोण अपॉन टाइम। कोण क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। समय क्या होता है? सेकेंड। मात्रा क्या बन गया? रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग अपॉन समय क्या होता है? ये हो गया कोणीय वेग का हो जाएगा तो रेडियन पर सेकेंड। नीचे फिर समय क्या हो जाएगा? सेकेंड। कोणीय वेग का हो गया रेडियन पर सेकेंड, समय का हो गया सेकेंड। मात्रा क्या बन जाएगा? तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका जड़त्व आघूर्ण, मूमेंट ऑफ इनर्सिया। ये मैं जड़ता हूं। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान क्या होता है? केजी। दूरी का मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जड़त्व आघूर्ण के बाद क्या है? वह है कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंट क्या है? एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम कौन क्या होता है? कोणीय वेग गुना जड़त्व आघूर्ण। कोणीय वेग के क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड गुना जड़त्व आघूर्ण का केजी मीटर स्क्वायर। ये मात्रक हो गया रेडियन
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर, छाप लीजिए। हो गया, अब इसको मिटाते हैं। ये रहा जितने अभी लिखा रहे थे, अभी इसमें पाँच सात और है, सात आठ और राशि जो है और उसका मात्रक जो अभी बाकी है। अभी जितने लिखा रहे सभी के सभी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे लिखा है हम बोर्ड पर वैसा ही आप कॉपी में जो है नोट कीजिएगा। नोट करके जो है आप आज दस लिखा है तो दस याद कीजिए, कल दस लिखा है तो दस उसको याद कर लीजिए, दस दस करके आप प्रत्येक टॉपिक को प्रत्येक क्वांटिटी का नाम, उसका अंग्रेजी नाम, उसका फॉर्मूला, उसका ऐसा यूनिट आप याद कर सकते हैं। एक बार सोचिए कि सब याद हो जाए तो यह असंभव है, इम्पॉसिबल है, आपसे याद नहीं हो सकता है, तो दस दस करके याद करें। आज इतना ही रह देते हैं, इतना बैठ कर आप कॉपी में लिखिए, फेयर कीजिए, उसको याद कीजिए। टाइम हो गया है तो आज इतना ही रह देते हैं, कल आते हैं क्लास में तो आपकी क्लास में जितना लिखा है सब आप याद करके आइएगा। कल की क्लास के बाद जो लाइव क्लास चलेगा तो उसमें हम पूछ भी सकते हैं, आप सामने रहेंगे तो दिखाई भी देंगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ऐसे वीडियो जो है आपके यूट्यूब पर जाता है, अब कल से जाना बंद हो जाएगा, कल से लाइव क्लास आपके मोबाइल पर होगा। जिनका एडमिशन होगा वह लाइव क्लास करेंगे और जिनका एडमिशन नहीं होगा वह लाइव क्लास नहीं कर सकते, तो आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। एडमिशन हो रहा है, आप आकर कोचिंग में एडमिशन करा सकते हैं और आप लाइव क्लास पायनियर से जुड़ के, पायनियर कोचिंग से जुड़ के आप लाइव क्लास का जो है क्लास कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफिस में आकर मुलाकात कीजिए, पायनियर कोचिंग में आकर मुलाकात कीजिए और जो पूछना है यहाँ पूछ सकते हैं। तो आज टाइम हो गया, इसको बैठ कर याद कीजिए, पढ़िए, फेयर कीजिए। चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपका टेस्ट होगा, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। फिर मिलते हैं कल नए क्लास में नए वीडियो के साथ, टॉपिक वही रहेगा, इसमें पाँच सात लिखा कर इसको बंद कर देंगे। तो अभी पाँच सात क्वान्टिटी का नाम और बाकी है, उसका मात्रक बाकी है, लिखाने के बाद कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, बिग लेंथ, बिग यूनिट ऑफ लेंथ और स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ। तो पहले इसको याद कीजिए, लिखिए, फिर कल आते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।